Hello, dear students. Welcome back to your science class. And I hope you all are preparing the notes regularly and also reading this chapter with me. So, let's start our next topic that is respiration. Students, in our previous life process, that is nutrition, we have studied that the food is firstly digested and then absorbed and assimilated. So, what is the main purpose of the assimilation of food? there are main two purposes because the assimilated food this assimilated food act as a fuel to get energy students ये assimilated food hai yahi hamari body ko energy lene ke liye as a fuel work karta hai next ये assimilated food एक ऐसे material के तरह act करता है जो हमारी body को growth और repair करता है damaged cells की so ये इसके two main purposes हैं इसीलिए assimilation की process होती है सो so, ये जो फूड हमारे लिए एक फ्यूल की तरह वर्क कर रहा है इससे एनर्जी मिलती कैसे है स्टूडेंट सेल्स को यही हम इस प्रोसेस में रीड करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में स्टोर होती है या फिर हम उस एनर्जी को यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होती है ए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी स्टोर या फिर रिलीज ए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सेल स्टूडेंट्स ये हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सेल है जो फूड एब्जॉर्ब करने के बाद सेल्स तक पहुंचता है फिर वो ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है जो ये ऑक्सीजन हमने एयर से इनहेल की है थ्रू आर नेसल कैविटी जब ये हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचती है तब ये ऑक्सीजन स्टूडेंट्स फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है मींस फूड का ऑक्सीडेशन करती है फूड को ब्रेक डाउन करती है तब यहां से रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर विद्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cells and using it for releasing energy by burning the food and then eliminating the waste products which are carbon dioxide and water from the body so this is the reaction for this process food and oxygen reacts then produces carbon dioxide water and energy students this reaction occurs inside the cell so we can say that this respiration is a cellular respiration क्योंकि ये कहाँ पे होता है सेल के अंदर इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं नेक्स्ट इस पूरी प्रोसेस में स्टूडेंट्स बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं बाय प्रोडक्ट्स का देखो ये दोनों है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स केमिकल रिएक्शन मैथ से ऐसे, ऐसे होता है और इन प्रोडक्ट्स में से भी बाय प्रोडक्ट्स किसे बोला जाता है जो एक्चुअली वेस्ट हो तो एनर्जी तो हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट की तरह यूज करना है क्योंकि सारी लाइफ प्रोसेसेस इसी से चलने वाली हैं तो बाय प्रोडक्ट कौन हुए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर और इन दोनों में से भी रियल सेंस में एक वेस्ट मटीरियल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है सो so, ये है एक रियल वेस्ट बट वॉटर एक तरह से हम वॉटर को वेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है इवन इट इज बेनिफिशियल फॉर आर बॉडी नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर आर बॉडी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को तो बाकी सारी लाइफ प्रोसेसेस ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो जाएंगी और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे सो so, रेस्पिरेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे देन और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स ये आपने कल एनिमेशन के थ्रू भी क्लियर किया था बट वी कैन रिपीट इट अगेन फर्स्टली द ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज एक्चुअली दैट गेट द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये एक आउटर प्रोसेस है स्टूडेंट्स ब्रीदिंग जिसके अंदर हम नेसल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं बट रेस्पिरेशन जो हुआ है ये एक केमिकल प्रोसेस है फिजिकल का हमने सॉरी uh, ब्रीदिंग का हमने स्टडी किया था कि एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है सो वी कैन से रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच इंक्लूड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सो स्टूडेंट्स अब इन दोनों की लोकेशन भी अलग अलग है जो ब्रीदिंग है वो किसको इन्वॉल्व कर रही है लंग्स को नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कहां पे होती है सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर भी कौन से सेल ऑर्गेनली में माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट्स द एनर्जी ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको काफी सारे एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें से क्या है सिंपल जो फूड था उसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है क्योंकि वो ग्लूकोज की फॉर्म में था ग्लूकोज की फॉर्म से उसको ऑक्सीडाइज करके फिर एनर्जी रिलीज होगी बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेशन है वो एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस में आपने क्या स्टडी किया था कि फूड प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड बनाना फूड की फॉर्मेशन करना उसको हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे थे और उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी बट उसका उल्टा होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तब इसमें से रिलीज क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मींस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर टोटली अपोजिट टू अदर इज क्लियर नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड की रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में कैसे स्टोर होती है हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स so इसके लिए बेसिकली हमें थ्री फॉर्म्स की जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है ए टी पी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स ये तीनों क्या चीज हैं फर्स्टली जो ए डी पी है एडीपी ये एक सब्सटेंस है जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट मीन्स इसमें जो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो टू है डाई मीन्स टू और ए टी पी यहाँ पे जो टी है वो टी स्टैंड कर रहा है ट्राई को एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट मीन्स इसमें फॉस्फेट्स कितने हैं थ्री तो यहाँ पे जो मैं फॉस्फेट वर्ड यूज कर रही हूँ ये क्या चीज है ये है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट स्टूडेंट्स वो फॉस्फेट ग्रुप होता है जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलके बना है क्लियर है और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे पी मीन्स फॉस्फेट एंड आई मीन्स इनऑर्गेनिक सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और जिस एडिनोसिन के साथ टू फॉस्फेट्स ज्वाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं एडीपी और जिसके साथ थ्री फॉस्फेट्स जुड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं एटीपी और एटीपी ही स्टूडेंट्स एनर्जी की फॉर्म है एनर्जी स्टोर होती है ए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स एनर्जी की करेंसी है जैसे आप आ, रुपीज रुपीज क्या है हमारी मनी की करेंसी वैसे एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं एटीपीज में एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है ओके okay. नेक्स्ट जब हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग एट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब क्या रिएक्शन हो रही होती है हमारी बॉडी में लेट्स सी स्टूडेंट्स हमारे बॉडी सेल्स के पास एडीपी होता है जिसके अंदर क्या है बिल्कुल लो एनर्जी एडीपी होता है वन इनऑर्गेनिक फास्फेट भी होता है जब इन दोनों को एनर्जी मिल जाती है जब इन दोनों को एनर्जी मिल जाती है तब ये फॉस्फेट इसके साथ ज्वाइंट होकर क्या बना लेता है एटीपी क्योंकि एडीपी का मतलब है टू फॉस्फेट और वन फॉस्फेट ऑलरेडी सेल में है तो जब इन दोनों को एनर्जी मिल जाती है तब ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें तीनों फॉस्फेट एक साथ जुड़ जाते हैं और इसके अंदर क्या है हाई एनर्जी कंटेंट बिकॉज ये क्या है एनर्जी की करेंसी सो so, इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तब इस एटीपी को फिर से ब्रेक डाउन किया जाता है मींस एटीपी को तोड़ा जाता है इसे हम यूज करते हैं तो जब हम एटीपी को यूज करेंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम सेल्स में यूज कर लेंगे और फिर से एडीपी और फॉस्फेट स्प्लिट हो जाएंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे और यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स वो उसका अमाउंट क्या है थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल और ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं सेल्स के अंदर बाकी प्रोसेसेस को करने के लिए काम आती है इसलिए ये क्या करती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस करती है उन्हीं से ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद एडीपी एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स नाउ लेट्स डिस्कस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर फूड स्टूडेंट्स

इट इज अ सिक्स कार्बन एटम कंपाउंड इसके अंदर सिक्स कार्बन हैं और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है मतलब जब को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुबिक एसिड जब हम ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करते हैं स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तब ये टू पायरुबिक एसिड बना लेता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिस ग्लाइको ग्लाइकोमीन्स ग्लूकोज लिसिस मीन टूटना यानी कि ग्लूकोज का टूटना दैट इज की प्रोसेस के थ्रू टू की यूनिट्स में टूट जाता है अब यहां पे पायरुविक एसिड क्या है एक किटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स जिसके अंदर थ्री कार्बन एटम्स होते हैं देखो इसके पास सिक्स कार्बन एटम्स थे तो ये टू ऐसी यूनिट्स बनाएगा जिनके पास थ्री थ्री कार्बन एटम्स हो ठीक है नेक्स्ट एक और भी केस है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है मतलब तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है तब तो जो ये पायरुबेट होगा ये कम्पलीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बट अगर इसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी तब ये जो पायरुबिक एसिड था या पायरुबेट था ये कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर नहीं बनाएगा ये क्या बना लेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर लैक्टिक एसिड नाउ व्हाट इज लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड भी स्टूडेंट्स एक थ्री कार्बन एटम कंपाउंड है इसके अंदर भी पायरुबिक एसिड की तरह थ्री कार्बन है बट जो पायरुबिक एसिड था उसके अंदर क्या था आपके पास कीटोनिक ग्रुप था बट इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ओ OH एच है ये सब आप जो ये कीटोनिक और आपको हाइड्रॉक्सिल बोल रही हूं कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे डोंट वरी यू विल डिस्कस दीज कीटोनिक ग्रुप्स एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स इन योर केमिस्ट्री पार्ट ओके सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन First is aerobic respiration and the another one is anaerobic respiration. Their names clear themselves. Aerobic. Aerobic means with air. Air. यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन के बिना होता है, means the respiration which occurs in the absence of oxygen, that is known as anaerobic respiration. Okay?

और ये इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और ये प्रोसेस होती पे है स्टूडेंट्स हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट इसके बाद होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की हेल्प से इस पायवेट का ब्रेकडाउन और ये कहाँ होता है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां से एनर्जी रिलीज होने वाली है और इस जो ये प्रोसेस यहाँ पे होगी पायरुवेद से सीओ टू का बनना इसको हम बोलेंगे क्रैप साइकिल जो आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हो देन पायरुवेद का कंप्लीट ब्रेक डाउन बन जाएंगे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर एंड थर्टी एट ए मॉलिक्यूल्स मतलब एटीपी जो एनर्जी है उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट्स थर्टी एट ए दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो so, जो ये एनारोबिक प्रोसेस है इसके अंदर तो आपको एनर्जी के 38 एट ए मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं ये पॉइंट सभी ने अपने माइंड में रखना है जब मैं एनारोबिक डिस्कस करूंगी तब आप देखोगे कितना बड़ा डिफरेंस होने वाला है सो व्हाट इज द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स और एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है स्टूडेंट्स स में डॉग्स में कैट्स लॉइंस एलिफेंट्स काउस बफेलोस गोट डियर बर्ड्स इन सभी में क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं सो दिस प्रोसेस इज एरो रेस्पिरेशन दीज आर फ्यू पिक्चर्स इन विच एरोबिक रेस्पिशन अकर्स दिस इज फॉर एनारोबिक ओके दिस इज फॉर एनारोबिक लेट्स डिस्कस द एनारोबिक रेस्पिरीशन इन डिटेल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन अब आप सोच रहे होंगे विदाउट ऑक्सीजन भी क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं येस स्टूडेंट्स फ्यू बैक्टीरिया लाइक यीस्ट दीजअ अकर्स विदाउट ऑक्सीजन ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं सो so, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है मीन्स का फूड का जो ब्रेकडाउन है वो किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन द फूड इन टू इथेनोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी स्टूडेंट्स ये वही पॉइंट है जो हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करके आए हैं कि जब सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो पायरुवेद है वो किसमें डाउन हो जाएगा इथेनोल में यहां पे अब कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होने वाला सो लाइक सी द रिएक्शन इसमें भी वन मॉलिक्यूल है इसका ग्लूकोज का और सेम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर और फिर से टू पायरुबिक एसिड्स बना रही है मींस पायरुबेट बना रही है बट आगे की जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है अगर ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट मिलता तब तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है एबसेंट है यीस्ट के अंदर सो so यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस जिसके थ्रू एल्कोहल बनाया जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एल्कोहल है दैट इज इथेनोल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सी टू एच फाइव ओ एच इसके टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे साथ में टू मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और टू मॉलिक्यूल्स एटीपी के देखो स्टूडेंट्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम रिलीज हो रही है एरोबिक में थे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू बट यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स और एरोबिक में थे 38 एट ए टी मॉलिक्यूल्स बट एनारोबिक प्रोसेस में सिर्फ टू ए टीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं मीन्स बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है सो so यही बेसिक डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट एनारोबिक में बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी ओके okay? और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है स्टूडेंट्स कि जो एरोबिक aer प्रोसेस थी वो तो हाफ प्रोसेस होती थी साइटोप्लाज्म में और हाफ माइटोकॉन्ड्रिया में सो so, उसकी साइट क्या थी माइटोकॉन्ड्रिया बट एनारोबिक प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कहां होती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ओके नाउ लेट सी एन स्मॉल एक्ट अ स्मॉल एक्टिविटी टू शो द एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर कोई भी शुगर सॉल्यूशन जैसे कोई फ्रूट जूस उसमें डाल के रख देंगे साथ में उसमें ऐड करेंगे कम अमाउंट में यीस्ट यीस्ट यानी कि बैक्टीरिया और फिर उसको उसका जो ढक्कन है उसको क्लोज करके रख देंगे कुछ टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब उसका ओपन करेंगे कॉर्क यानी कि उसका ढक्कन जब हम ओपन करेंगे और उसकी स्मेल चेक करेंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगी इथेनॉल को यानी कि वहां से अल्कोहल की स्मेल आएगी और उसमें से रिलीज होने वाली गैस को अगर आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो वो लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देगी मिल्की और आपने ये टेस्ट तो सिक्स क्लास से किया है कि जो गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है उस गैस का नेम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सो so, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो यीस्ट है उसके अंदर रेस्पिरेशन कौन सा हो रहा है एनारोबिक स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट विल शॉक यू एनर्जी स्टूडेंट्स uh, क्या आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यस yes, होता है स्टूडेंट्स हम वैसे तो ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं बट जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर काफी विगरेस फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम हमारी बॉडीज में जो है मसल्स में कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज्यादा चाहिए होता है बट प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है एनारोबिक प्रोसेस तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होगी सेम ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होगी साइटोप्लाज्म में और पायरूबेट बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स बट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मसल मसल टिश्यूज में एनारोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और तब ये क्या बनाती है लैक्टिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स और साथ में रिलीज करेगी टू एटीपी मॉलिक्यूल्स बट ये जो लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं कुछ टाइम बाद दौड़ते दौड़ते क्या होता है आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है क्रैम्प्स आने लगते हैं वो किस वजह से होते हैं इस लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने की वजह से ही हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं सो so, इससे हमें बाद में जब हम थक जाते हैं मसल क्रैम्प की वजह से और बैठ जाते हैं तब ये लैक्टिक एसिड कहां चला जाता है स्टूडेंट्स जब हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगती है ऑक्सीजन हमें मिलने लगती है तब ये लैक्टिक एसिड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई आएगी तो फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और वैसे भी हम इसको हॉट वाटर बाथ से या किसी मसाज से भी हम जल्दी रिलीफ पाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज की वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और इंप्रूव होने की वजह से आपकी मसल्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है देन स्टूडेंट्स आपके मन में एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा जैसे हमारी मसल्स में लेप्टिक एसिड इकट्ठा होता है तो क्या जो तेज दौड़ने वाले एनिमल्स हैं लाइक चीता डियर क्या इनके मसल्स में भी इलेक्ट्रिक एसिड डिपॉजिट होता है देन यस डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस इनकी बॉडी में भी होती है ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स लाइक दीज ओके नाउ स्टूडेंट्स एनारोबिक प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो क्या वहां से प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं एनारोबिक प्रोसेस अगर प्लांट्स में हो रही है या फिर यीस्ट में हो रही है तब तो वहां पे बाय प्रोडक्ट्स अलग होते हैं क्योंकि वहां इथेनॉल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर द एंड प्रोडक्ट्स यही दोनों एंड प्रोडक्ट्स हैं बट अगर एनारोबिक प्रोसेस एनिमल्स में हो रही है उनके मसल टिश्यूज में हो रही है तब वहां से क्या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एनारोबिक प्रोसेस के प्रोडक्ट्स भी डिफरेंस डिफरेंट होते हैं और एनारोबिक और एरोबिक दोनों में एक सिमिलरिटी भी है स्टूडेंट्स सिमिलरिटी क्या है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड तक कन्वर्जन ये जो ब्रेकडाउन है ये दोनों में सेम होता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है जो हम पूरा अभी पढ़ के भी आए हैं आपने जस्ट एक टेबल के थ्रू उनको देखना है फर्स्ट पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है एनारोबिक ऑक्सीजन की एबसेंस में एरोबिक में फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है

So students read this topic properly and maintain your notes.